महासंघ के अध्यक्ष राज सिंह चौधरी जी हमारे साथ हैं। राज सिंह चौधरी जी, आप हमें बताएं, 23 दिन से आप धरने पे बैठे हैं, आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग धरने पे बैठे हैं? आज हमारे महापड़ाव का 23वां दिन है और सबसे प्रमुख मांग है कि हमारा कनिष्ठ का जो नेक्स्ट पदोन्नति है ना, वो 2800 पे होती है और जो हमारे साथ समकक्ष कैडर चल रहे हैं उनकी 3600 पे होती है। हमारी मांग है कि हमारा भी नेक्स्ट जो पदोन्नति 3600 पे होनी चाहिए। दूसरी मांग है कि हमारी योग्यता स्नातक की जाए, क्योंकि संगठन पहली बार संगठन मांग कर रहा है कि हमारी योग्यता स्नातक की जाए, जबकि योग्यता सरकारें बढ़ाती है। तीसरी हमारी मांग है कि जो पूर्व सरकार गहलोत साहब ने 2013 में हम आंदोलन कर रहे थे, जब देखे गए थे 9840, उसको पूर्व सरकार 2017 में 8080 कर दिया, उसको वापस 9840 किया जाए, जो सात वेतन आयोग में 25500 होती है। और मांग है जो UDC के जो पद कम कर दिए उन पदों को बढ़ाया जाए, राजस्व कर्मचारी का 25% कोटा यथावत रख जाए और पंचायत राज का अंतर जिला का स्थानांतरण का जो रोक लगी है उसको हटाई जाए। इस तरीके से हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है, उसमें सरकार सहानुभूति विचार करते हुए जो महापड़ाव में हमारा डला हुआ है उसके आदेश जारी किए जाए, जल्दी से जल्दी जो कर्मचारी ऑफिसों में बैठ के काम किए जाए, जो जनता परेशान हो रही है उस जनता को हम राहत दे सकें, मुख्यमंत्री के राहत कैंप में उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें, यही हमारी मांग। आप हमारे पीछे देख रहे हैं इतनी तादाद में जनसंख्या आई हुई है इनके साथियों, ये बैनर आपकी जंगली है साथियों, इसको ध्वस्त करने का काम जो किया जा रहा है साथियों, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, चाहे हमारा वजूद हमारा मिट जाएगा। आपने देखा इतनी जनसंख्या में कर्मचारी लोग यहाँ पे हैं, तो सर आप हमें बताएं कि जब सारे कर्मचारी इतने तादाद में यहाँ पे हैं तो जो डिपार्टमेंटों में लोग जा रहे हैं उनकी मतलब कैसे काम हो पा रहे हैं? वो हम भी नहीं चाह रहे कि सरकार ने हमारे मांगों पे विचार नहीं करी, अगर वो विचार करती तो हम ऑफिसों में थे, जनता को राहत देते, लेकिन जनता जो परेशान है उसके लिए हम भी शर्मिंदा हैं। लेकिन हम 3 साल से जो पिछड़ रहे हैं, पिछड़ते हम इस स्तर तक पहुँच गए कि हमारी मजबूरी हो गई कि सरकार के सामने हमने हमारी मांग पत्र दिया था, सरकार को पहले चेतावनी दी, सरकार ने हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं किया। हम 10 तारीख से सामूहिक अवकाश पे चल रहे हैं और सिपरा पथ पे 17 तारीख से महापड़ाव डाल रखा है। आप लोगों ने किन किन को अपने मांग पत्र दिए, कितने साल हो गए और CM साहब से कब तक मिलने की उम्मीद है? CS को हमने मांग पत्र दे दिया, DOP सेक्रेटरी को मांग पत्र दिया था आने से पहले, और हमने और भी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को भी हमने यहाँ महापड़ाव डाला, उसके बाद वार्ता करके आए थे, तब उनको बता के आए थे हमारी ये प्रमुख मांग है, इन पर हम हमारे आदेश जारी कर जाए हमारे विचार करके, और जल्दी से जल्दी जहाँ कर्मचारी यहाँ बैठा है उसकी पीड़ा को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। जैसे महंगाई राहत कैंप लगे, ड्रीम प्रोजेक्ट है एक भी एक तरीके से CM साहब का, तो उसमें क्या क्या असर पड़ा लोगों को? तो जो राहत कैंप हैं महंगाई के, उसमें कर्मचारी तो काम करते हैं, ग्राम पंचायत का कर्मचारी, सारे जो विभागों के कर्मचारी तो सारे यहाँ बैठे हैं, अब और किसी को लगा रखे हैं कर्मचारियों को, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे। ऑफिस का काम तो मंत्रालय कर्मचारी तो करेगा, तो वो तो अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि हमारे जल्दी जल्दी वहाँ हम रात गेम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। आप ये बताएं, आपको कब तक उम्मीद लग रही है कि CM साहब आपसे मुलाकात करेंगे और आप लोगों की मांगे मानेंगे? जल्दी जल्दी हमारी मांगों पे CM साहब न्यायोचित मांगे हैं उन पे विचार करते हुए आदेश जारी करेंगे, हम जल्दी जल्दी हम उनको घर भेजेंगे, इसी आशा में हम मुख्यमंत्री जी पर हमें विश्वास है, जनता के मुख्यमंत्री जी। फिर भी आपको कब तक लग रहा है कि जैसे आज अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेंगी आपकी? रणनीति तो हम सब बैठ के कार्यकारिणी सब बैठ के डिसाइड करें। आज शाम का आपका क्या रहेगा कि अगर अभी जैसे इसके बाद आपका क्या नेक्स्ट रहेगा कार्यक्रम? शाम को कैंडल मार्च करने का हमारा इरादा है, ये हमने डिसाइड कर रखा है, शाम को कैंडल मार्च करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे कैंडल मार्च? यहीं इसमें पंडाल के बाहर। धन्यवाद।